वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। हिंदी में हम पाठ नंबर 14 जो है वो कल पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है सबसे अच्छा पेड़। इसकी सारी कहानी मैंने आपको कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन की थी। उसके बाद मैंने आपको ये इसके कुछ कठिन शब्द जो हैं वो रेखांकित करके सेंड किए थे कि इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और बार बार लिख के पढ़ के दोहराई करके आप इनकी जो प्रैक्टिस है वो करें, ताकि ये सारे जितने भी कठिन शब्द हैं वो आपको लिखने आ जाएं, ठीक है। तो उसके बाद आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी बुक में पेज नंबर 126 पर दी गई है। सबसे पहले इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ज़रा सोचो तो इसमें हमें कहानी के बेस पर ही क्वेश्चंस को सोचकर उनके आंसर जो है वो लिखने हैं, क्योंकि हमने कहानी पढ़ी है, उसका सारा जो भी था वो हम समझ चुके हैं कि उस कहानी में कौन था, क्या क्या हुआ था, तो उसी के बिहाफ पे हमें ये जो आंसर्स हैं वो करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। तो जो तीन भाई थे इस कहानी में वो कौन से मौसम में घर ढूंढने के लिए निकले थे। तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम था, क्योंकि जहाँ पे कहानी शुरू हो रही है वहीं पे हमें बताया गया है कि गर्म सड़क पे वो गर्मी में ही चलते जा रहे हैं, तो ये बहुत गर्मी का मौसम था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने ये सबसे ऊपर लिखा है, गर्मी के मौसम में। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कैसे पता चला। अब हमें कैसे पता चला कि ये गर्मी वाला मौसम था, क्योंकि वहाँ आम खाने की बात हुई थी। पहले पेड़ के पास जब वो गए थे, सबसे पहला पेड़ जो उनको मिला था वो आम का था, उस पे पके हुए मीठे आम लगे थे और तीनों भाइयों ने उसकी ठंडी छाया में बैठकर मीठे मीठे आम जो थे वो खाए थे। तो जो आम का फल है वो सिर्फ गर्मियों में ही हमें मिलता है, तो इस बात से भी हमें पता चला कि गर्मी में ही आम मिलते हैं, तो मौसम कौन सा होगा, गर्मी वाला ही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा महीना होगा। अब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सड़कें भी बहुत गर्म थी और इतनी प्यास लग रही थी उनको बार बार, तो ये कौन से मौसम में होता है, जून या जुलाई। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, जून या जुलाई। चौथा क्वेश्चन है, घर की तलाश पर निकलने से पहले वह कहाँ रहते होंगे। तो अब तीनों भाई जो थे वो अपना नया घर ढूंढने के लिए निकले थे, तो वो पहले कहाँ रहते होंगे। पहले वो अपने माता पिता के घर में या दादा दादी के घर में रहते होंगे, जिसे हम अपना पेरेंटल हाउस बोलते हैं, EVS में हमने पढ़ा था, तो हिंदी में हम उसे बोलेंगे अपने पुश्तैनी घर में। तो जो उनका पुश्तैनी घर होगा वो वहाँ पहले रहते होंगे, और बाद में वो क्या कर रहे हैं कि अलग अलग घर, अपना नया घर ढूंढने के लिए घर से निकले हैं। उसके बाद है, कैसे चुनोगी। इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी। अब हमने इस कहानी में पढ़ा है कि अलग अलग जो पत्ते होते हैं वो हमारे लिए किस किस तरह के काम में आ सकते हैं। जैसे कि जो नारियल के पत्ते हैं हम उनसे झाड़ू बना सकते हैं, ठीक है, और जो उस पे फल लगते हैं, नारियल है उसका तेल भी बनाया जाता है, वो खाने के भी काम आता है, मिठाइयाँ भी बनती हैं उससे। इसी तरह जो नीम की पत्तियाँ हैं उनकी दवाइयाँ बनती हैं, नीम की लकड़ी से दातुन बनती है, ठीक है, और काफ़ी और भी कई चीज़ों के लिए जो ये पेड़ हैं, अलग अलग पेड़ों से हमें अलग अलग तरीके के जो लाभ हैं वो मिलते हैं। तो मेहमानों को खाना खिलाने के लिए हम कौन से पत्ते का इस्तेमाल करेंगे, केले के पत्ते का, क्योंकि कल मैंने कहानी में आपको बताया था, दिखाया भी था कि जो केले के पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो उन पत्तों को कई जगह पे खाना खाने के लिए प्लेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम प्लेट में खाना खाते हैं दाल सब्ज़ी रोटी डाल के, उसी तरह से उस पत्ते पे ऐसे सामान रख के फिर खाया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़े और चौड़े होते हैं। तो मेहमानों को खाना खिलाने के लिए अगर हमें किसी पत्ते का इस्तेमाल करना पड़े तो हम कौन से पत्ते का करेंगे, केले के पत्ते का। बारिश में भीगते समय छाते की तरह, अब जो छोटी छोटी पत्तियां हैं जैसे आम के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं या किसी और चीज़ के पत्ते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो तो हमें बारिश से बचा नहीं पाएंगे, तो उनसे बचने के लिए भी हमें कोई बड़ा पत्ता चाहिए, तो हम वहाँ पे भी केले के पत्ते का प्रयोग करेंगे, जैसे उन दोनों भाइयों ने बारिश से बचने के लिए किया था।
ये देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, तो केले के पत्ते को अपने सर पर ढककर वो क्या कर रहे हैं, बारिश से बच रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े पत्ते जो हैं वो केले के होते हैं। उसके बाद क्या पूछा गया है हमें, सीटी बजाने के लिए। तो जैसे हम पत्ते से सीटी बजाते हैं तो कौन कौन से पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है आम के पत्ते का। रंग बनाने के लिए, अब कौन कौन से पत्तों से हम किसी तरह का रंग बना सकते हैं। वैसे तो जैसे हम किसी भी पत्ते को पीस देंगे अगर तो हरा रंग उसमें से निकलेगा, और कुछ कुछ फूलों के ऐसे पत्ते होते हैं जिनमें से लाल रंग या कोई गुलाबी रंग, इस तरह के रंग भी निकलते हैं। तो रंग बनाने के लिए हम कौन सी पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं, धनिया, धनिए को जब हम पीसते हैं तो हरा रंग मिलता है। टेसू, टेसू के फूल होते हैं ऑरेंज कलर के, बहुत ही प्यारे फूल होते हैं वो, और उनको पीस कर भी या उनको जब हम हाथ में मैश करेंगे, मसलेंगे, तो उसमें से भी रंग जो है वो निकलता है। पालक, पालक में भी, पालक को कभी पीस के देखो, बहुत ही ज़्यादा हरा रंग जो है हमें मिलता है। तो आप यहाँ पे कोई और भी पत्ते लिख सकते हो अगर आप चाहते हो तो। नेक्स्ट है गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए। तो कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए हम सड़क पर खड़े हैं और वहाँ पे बहुत गर्मी है, तो वहाँ पे कोई फ़ैन, कूलर या एसी तो नहीं होगा। तो हमें अगर मान लो किसी पत्ते से हवा लेनी है, पंखा बनाना है उसका, तो हम किससे ले सकते हैं, नारियल के पत्ते से, क्योंकि वो बहुत ही झाड़ीदार इस तरह के होते हैं और बहुत अच्छी हवा जो है उनसे आती है, लोग उनका पंखा भी बनाते हैं। तो आगे क्या है, क्या लगाओगी, मतलब तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी, तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी। तो यहाँ आपको एक खाली स्थान दिया गया है कि अगर मान लीजिए आपको कोई पेड़ लगाना हो तो आप कौन सा पेड़ लगाएंगे और आप वही पेड़ क्यों लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैं अपने बगीचे में नारियल का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि अब मुझे बताना है क्यों लगाऊंगी, नारियल की गरी और पानी मुझे बेहद पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे नारियल का पानी जो है वो बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं अपने बगीचे में जो नारियल का पेड़ है वो लगाऊंगी। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आप आम का पेड़ लगाना चाहते हो, तो मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि मुझे आम का रस और फल बहुत पसंद है। तो आप यहाँ पे कोई भी फल जो है वो लिख सकते हो। आगे पेज नंबर 127 पर देखिए, पहचानो और मिलाओ। तो हमें क्या करना है, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली हो, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे कुछ पत्तों की फ़ोटो जो है वो दे रखी है और हमें उनको इनके साथ मैच करना है कि कौन सी पत्ती जो है वो किसकी होगी। तो सबसे पहले लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, तो पहले तो बताना है हमें कि ये कौन से पेड़ की पत्ती है, ये आम की पत्ती है जो लंबी है, पतली है और आगे से नुकीली है। और इस तरह से हम उसको आम के पत्ते के साथ मैच कर देंगे और यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे कि वो किसकी पत्ती है, आम की। नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, तो कौन सी ऐसी पत्ती है जो नीचे से तो गोल है लेकिन आगे जाकर नुकीली हो जाती है, वो है पीपल की पत्ती, ठीक है, ये बनी हुई है। जिसके किनारे लहरदार हैं, तो जिसके किनारे लहरदार हैं मतलब वो किसका पत्ता है, केले का। तो हम इसको केले के पत्ते के साथ मैच कर देंगे क्योंकि केले के पत्ते में थोड़े इस तरह के कट लगे होते हैं जो लहराते हैं हवा से। गोल पत्ती, तो गोल राउंड लीव्स जो हैं वो किसके होते हैं, कमल के फूल के, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पत्ता है गोल गोल, ये लोटस का होता है, ओके। सो आगे 128 पेज पे देखिए, अब हमें क्या है, ये एक हमें एक्टिविटी दी गई है कि पत्तों को सुखाकर चिपकाना है जिनमें से दूधिया रस निकलता हो, जो चिकनी होती हो, जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं। तो इसमें आप कोई भी जो ऐसे आपको पत्ते मिले वो आप अपने कॉपे में सुखाने के बाद चिपका सकते हो। ये एक एक्टिविटी है, इसे हम चैप्टर के एंड में करेंगे। आगे देखिए, कैसे पढ़े नाम, तो इनके नाम कैसे पढ़े, हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, जैसे हम कपड़ों को साबुन से धोते हैं, बर्तनों को धोते हैं, इसी तरह अपने दांतों की सफाई करने के लिए हमें
अलग अलग तरह के मंजन या टूथपेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, इसीलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब मंजन हमारे दांतों को मांजते हैं, क्लीन करते हैं, तो इसीलिए हम उसे मंजन बोलते हैं। तो इन चीज़ों के नाम क्यों ऐसे पड़े, जैसे कि दातुन, दातुन का ये नाम दातुन क्यों पड़ा, क्योंकि वो हमारे दांत साफ करने के काम आती है, तो दांत शब्द से बन गया दातुन। आगे है छलनी, छलनी का यह नाम क्यों पड़ा, यह चाय छानने के काम आती है, क्योंकि इससे चाय छानी जाती है, जो चाय पत्तियाँ होती हैं वो एक साइड हो जाती हैं और चाय एक साइड हो जाती है, तो इसीलिए इसका नाम है छलनी। मथनी क्या नाम है उसका, यह दूध दही मथने के काम आती है, हम उससे दूध और दही को अच्छे से मथते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है मथनी। अब हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और हमें बताना है कि ये कौन सी चीज़ किस चीज़ से बनी है। सबसे पहले है मिटानी, मिटानी मतलब जो मिटाती है, इरेज करती है, वो किस चीज़ से बनती है, इरेजर आपकी रबड़ से, इरेजर किस चीज़ से बनती है, रबड़ से। आगे ये रस्सी किस चीज़ से बनती है, कल हमने चैप्टर में पढ़ा था वीडियो में कि नारियल के पत्तों से, नारियल की खाल से जो रस्सियाँ हैं, मैट है, दरी है, वो बनती है, तो ये नारियल से बनी है। और ये एक कपड़े की आपके पास चटाई टाइप दरी बनी हुई है, ये किससे बनती है, कपास के धागे से, यानी कि कॉटन के जो छोटे छोटे धागे होते हैं उनको मिलाकर। ये इससे हम गेहूं या कोई भी अनाज या चावल साफ करते हैं, ये आपके घर में भी होगा, तो ये किस चीज़ से बना होता है, बांस से। और ये गुब्बारा किस चीज़ से बना होता है, रबड़ से। तो इनके नीचे हम लिख देंगे ये कि कौन कौन सी चीज़ों से मिला के बनी हुई हैं। आगे पेज नंबर 129 पे देखिए, तुलना करो। अब हमें तीन चीज़ों में कंपैरिजन करना है, नारियल, आम और केला, और सही जगह पर हम निशान लगाएंगे। सबसे घना, घना मैंने जिसके बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं और सारी जो टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं, वो पास पास में होती हैं, तो नारियल का पेड़ तो ऐसा नहीं होता, वो तो बहुत लंबा होता है और उसके पत्ते बहुत दूर होते हैं, साफ दूर से दिखाई देता है। केले के पत्ते भी इस तरह के नहीं होते कि वो घने हों, तो ऐसा कौन सा पेड़ है, आम, तो हम आम के नीचे टिक लगाएंगे। सबसे ऊंचा, तो सबसे लंबा इन तीनों में से कौन सा पेड़ होता है, नारियल का, तो नारियल पे हम टिक लगाएंगे। चढ़ने में सबसे आसान, अब केले का पत्ता, केले का पेड़ जो होता है वो कमज़ोर होता है, जब हम उस पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, और हम गिर जाएंगे। ऐसे ही नारियल का पेड़, नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं होता आपके पास, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसकी कोई भी टहनियाँ नहीं होती, ऐसे आप देख सकते हो, तो नीचे से लेके ऊपर तक कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं है, तो आपको बड़ी मुश्किल आती है इसमें चढ़ने के लिए। तो सबसे आसान कौन है चढ़ने के लिए, आम का पेड़। उसके बाद सबसे मोटा तना, तना क्या होता है, जो हमारी प्लांट की बॉडी होती है, ट्री की नीचे से स्टार्ट, जहाँ से हमारा प्लांट हो रहा है, तो सबसे मोटा तना भी किसका होता है, आम का। उसके बाद सबसे बड़े पत्ते, तो हमें पता है कि सबसे बड़े पत्ते किसके होते हैं, केले के। सबसे मीठा फल, तो मीठा नारियल, केला और आम में सबसे मीठा है आम। फल खाना सबसे आसान, अब नारियल को खाने के लिए हमें उसे बड़ी मुश्किल से, पहले तो इतनी ऊपर चढ़ के तोड़ना पड़ेगा उसका, उसके ऊपर चढ़ना भी इतना मुश्किल है, फिर उसे खोलना, नारियल की बाहर जो इतनी सारी उसकी छाल लगी होती है उसको उतारना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह से जो आम है उसको भी पहले खोलना पड़ता है, ठीक है, फिर उसमें से गुठली निकलती है उसके, आम के अंदर जो होती है, इतना सारा रस होता है और उसे बड़ी मुश्किल से खाया जाता है, वो हमारे कपड़े, मुंह, सब कुछ ख़राब कर देता है। लेकिन केला एक ऐसा फल है जो आप कहीं पे भी खा सकते हो, उसे कोई चिपचिप नहीं होती है, आराम से आप उसको खोल के, छिलका उसका उतार के उसे खा सकते हो, और कहीं पे भी, बस में बैठ के भी खा सकते हो, स्कूल में भी खा सकते हो, घर पे भी खा सकते हो, ठीक है, और बिना प्लेट के भी आप उसे खा सकते हो। तो केला जो है वो खाने में सबसे आसान है। अब कुछ और फलों के नाम हमें लिखने हैं, इधर हम लिखेंगे गुठली वाले, जिन फलों के अंदर से गुठली निकलती है, और ये क्या है, बिना गुठली वाले, जिनके अंदर से कोई भी गुठली जो है वो नहीं निकलती है। तो आम में गुठली होती है, जामुन जब हम खाते हैं तो छोटी छोटी गुठलियाँ निकलती हैं, इसी तरह से बेर के अंदर भी गुठली होती है और लीची के अंदर भी एक डार्क ब्राउन कलर की गुठली होती है,
लेकिन केले के अंदर कोई गुठली नहीं होती, सेब में बस छोटे छोटे दो चार बीज होते हैं, अदरवाइज़ उसमें कोई बड़ी गुठली नहीं होती, संतरे में भी कोई गुठली नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे बीज हैं, और पपीते में भी काले रंग के छोटे छोटे बीज हैं, उसमें भी कोई बड़ी गुठली नहीं है। तो ये बिना गुठली वाले हैं। बिना गुठली वाले में आप अंगूर भी लिख सकते हो क्योंकि उनमें भी कोई गुठली नहीं होती, अमरूद भी लिख सकते हो, तो आप इनमें अपनी तरफ से आंसर्स भी लिख सकते हो। तो नीचे क्या दिया गया है आपको बताओ, किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते। अब कुछ फल ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्ट खा सकते हैं, जैसे कि अमरूद, पेड़ से तोड़ा, उसे धोया और हम सीधा उसे खा सकते हैं, उसे कोई भी उसका छिलका अलग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केला है, जैसे केले को आप छिलके के साथ नहीं खा सकते, उसका छिलका उतारना पड़ता है। तो इस तरह से कौन से फल हैं जिनको हम छिलके के साथ नहीं खा सकते, वो हैं संतरा और केला। इन दोनों के मोटे मोटे छिलके होते हैं जिनको उतार कर फिर ही खाया जाता है। कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं। अब गर्मी हो या सर्दी हो, कोई कुछ फल ऐसे हैं जो हमेशा सारा साल मिलते हैं, वो कौन से हैं, केला और सेब। केला और सेब दोनों ऐसे फल हैं जो गर्मी में, सर्दी में, बसंत में हमेशा मिलते हैं हमें। तो यही आपकी बुक एक्सरसाइज थी, पेज नंबर 129, 128, 127 और 126। तो इन सारे पेजेस को आप अच्छे से लर्न कर लें और सुंदर हैंडराइटिंग में बिल्कुल साफ साफ अपनी हिंदी की बुक में ही इसको फिल करना है सभी बच्चों ने। तो थैंक यू क्लास, एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।